वेलकम टू शुभम टेक। आज इस वीडियो में आपको MNIT जयपुर यानी मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के UFM रूल बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ UFM होता क्या है। UFM होता है कि अनफेयर मीन्स, मतलब कोई स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम कोई पेपर बुक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह कुछ लेते हुए पकड़ा जाता है, चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, या किसी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर UFM लगाई जाती है। तो उस केस में कई स्टूडेंट्स के कुछ पेपर भी कैंसिल कर दिए जाते हैं, कभी कभी उसे डिबार भी कर दिया जाता है। तो ये सारे रूल मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सो कुछ पनिशमेंट रूल्स हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो इफ़ अ कैंडिडेट इज़ फाउंड हैविंग इन हिज पोजेशन ऑफ एनी मटेरियल रिलीवेंट टू सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन पेपर कंसर्न बट नॉट कॉपीड फ्रॉम इट। अगर कोई स्टूडेंट पेपर देने गया है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के उस पर कोई डेटा पाया जाता है बट उसने कॉपी नहीं किया हो, तो क्या उसे पनिशमेंट मिलेगा? द पनिशमेंट विल बी कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर पेपर एंड ही शी विल बी अवॉर्डेड एफ ग्रेड इन डैट पेपर विल ऑल कॉन्सिक्वेंसेज टू फॉलो। हाउएवर इफ द मटेरियल फाउंड इज पोजीशन ऑफ कैंडिडेट इज इनफिशियंट नेचर ऑफ पनिशमेंट मे बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट डैट ही विल बी गिवन। तो इस केस में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है उसको उस पर्टिकुलर पेपर में फेल कर दिया जाता है, एफ ग्रेड दे दिया जाता है, और फिर उसे क्या कि कैरी ओवर पेपर देना पड़ेगा। अब मैं आपको सेकंड रूल बताता हूँ। इफ़ अ कैंडिडेट इज फाउंड टू हैव कॉपीड फ्रॉम और यूज द मटेरियल कॉच, मतलब कोई स्टूडेंट पकड़ा गया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन किसी कागज के साथ और उसने उस कागज में जो लिखा हुआ डेटा अपनी कॉपी में लिखा है, तो क्या पनिशमेंट मिलेगा उसे? The punishment will be the cancellation of the present semester examination and the he she will awarded F grade in all paper of that semester with all the consequences to follow. तो इस वाले केस में क्या होगा? अगर कोई स्टूडेंट ऐसे पकड़ा जाता है चीटिंग करते हुए और उस पर, इस वाले केस में क्या होता है? अगर कोई स्टूडेंट है उसके पास कोई कागज मिलता है और कागज में जो कि लिखा हुआ है वो उसकी कॉपी में भी लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा? वो स्टूडेंट्स को, उस स्टूडेंट्स के उस सेमेस्टर के सारे पेपर कैंसिल कर दिए जाएंगे। और ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड टेकिंग टू अनदर कैंडिडेट और एनी अनऑथराइज पर्सन इनसाइड और आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आर विदाउट द परमिशन ऑफ इनविजिलेटर हिज एग्जामिनेशन इन डैट पेपर मे बी कैंसल्ड एंड एफ ग्रेड विल बी अवॉर्डेड इन दैट पेपर एंड ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज टू फॉलो। सो इस वाले केस में क्या, अगर कोई स्टूडेंट है किसी दूसरे स्टूडेंट को अंदर लेके आ जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस केस में क्या होता है? विदाउट परमिशन ऑफ इनविजिलेटर, तो इसमें क्या होगा कि उस स्टूडेंट्स का वो पर्टिकुलर पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब मैं आपको फोर्थ रूल बताता हूँ। इफ़ द कैंडिडेट इज फाउंड रीडिंग और पोजेस सम इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल रिलीवेंट टू द सिलेबस ऑफ पेपर वेराज यूरिनल हिज हर एग्जामिनेशन इन डैट पर्टिकुलर पेपर और हिज होल सेमेस्टर एग्जामिनेशन डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस शैल बी कैंसिल। तो इस केस में क्या होगा कि हो सकता है स्टूडेंट के सारे पेपर कैंसिल कर दिए जाएँ या कुछ पेपर कैंसिल करें, अगर उसमें कोई ऐसा कोई चीज़ मिलती है जो कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड है तो। सो नेक्स्ट रूल क्या, इफ़ द कैंडिडेट इज फाउंड गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट इन आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर टू और फ्रॉम एनी अदर कैंडिडेट पर्सन इन एग्जामिनेशन हॉल और आउटसाइड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आवर्स His or her examination in that particular paper will be cancelled. F grade will be awarded. अगर इस वाले केस में क्या, अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, दूसरे को कुछ बता रहा है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो UFM लगाई जाती है उस स्टूडेंट्स का वो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। अब लास्ट रूल में बताता हूँ, सिक्स रूल। इफ द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट और बींग कॉट is unsatisfactory or the candidate uses resistance to violence against the invigilator or any person examination duty consistently refuse to obey the instruction, the above punishment may be enhanced according to the gravity of offense and given. तो इस वाले केस में क्या, अगर कोई स्टूडेंट से ऊपर जितने भी मैंने रूल बताए कि किसी को परेशान कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है या चोरी करते हुए पकड़ा गया है या चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, किसी स्टूडेंट से बातें कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि जो यूनिवर्सिटी की जो कमेटी बैठेगी वो देखेगी कि क्या उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी कोई आपके कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इससे उन्हें ये जानकारी मिले। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।